भजन तो अर्पिता बहू गाया करती थी। कौन गा रहा है? सुबह सुबह अर्पिता की याद दिला दी आरती ने यश को, कहीं भड़क ना जाए वो। मम्मी जी प्रसाद। हे भगवान, आरती को अर्पिता के भजन के बारे में तो बता दी, लेकिन यश भैया का गुस्सा कंट्रोल में रखना भगवान जी।
से एक जैसा ही टेस्ट होता है तुम्हारे हाथों के बने हुए प्रसाद में, ना कभी शक्कर कम और ना ही कभी ज्यादा। एक बात बताओ, ये करती कैसे हो तुम? मैंने तो आपसे कभी ये सवाल नहीं पूछा कि रोज आपका प्यार एक जैसे ही क्यों लगता है, उसमें भी तो कभी कोई कमी नजर ही नहीं आती। आपसे ही तो सीखा है, आपके प्यार में भी तो कभी कोई कमी नजर नहीं आती। थैंक यू भाभी, इस भजन को गाने का आइडिया देकर आपने मेरी बहुत मदद की है, थैंक यू सो मच। इसी बहाने कम से कम इस घर को अपना बनाने की मेरी इस कोशिश को अंजाम तो मिला। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तुम पलक और पायल का दिल जीत लो और साथ ही यश भैया का भी। अभी मैं बच्चों को दूध देकर आती हूँ। भगवान जी, आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस घर में सब कुछ जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जल्दी मेरी प्रार्थना सुन लो भगवान। बच्चों, जल्दी से अपना मिल्क पी लो, आओ। वैसे आज तो आप सबकी छुट्टी है ना, तो आज तो थोड़ी मस्ती होनी चाहिए, नहीं? और देखिए, आपके पापा बाहर बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी मस्ती हो जाए। ये! पर पहले जल्दी जल्दी अपना मिल्क फिनिश कीजिए, चलिए चलिए जल्दी पीजिए। एक मिनट, बताओ क्या खेलना? पकड़ा पकड़ी। देखो, अगर पकड़म पकड़ी खेलेंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो इसीलिए अभी बच्चों की खुशी के सामने कपड़ों की फिक्र करोगे? चलो 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 चलो, देखते हैं कौन भागता है पहले।
आ रही है। अर्श, 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 रुक जा, अर्श। यश, मेरी बच्चियां इसी तरह खुश रहे। यश जी, अपना सर पूछ लीजिए। इसकी जरूरत आपको ज्यादा है। अच्छा, इसकी जरूरत आप ही को ज्यादा है। अच्छा। पुनर्विवाह